नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें टोटल 150 प्रश्न है, 50 जीके का, 50 मैथ और साइंस का और 50 रीजनिंग का। सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, तो आप इसे पूरा देखें। कंटिन्यू यह प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक चलेगा। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन से कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने वर्ष 1953 तक कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। कृषि मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन महोत्सव पहल की भी संकल्पना की थी और उन्होंने 1953 से लेकर 1957 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 संघमित्रा को। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा को राजा देवनाथ पिया ने तिस्ता के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा गया था और उसके साथ उनके भाई महेंद्र भी था। राजा तिस्ता के अनुरोध करने पर संघमित्रा ने वहां धर्म संघनी संघ की स्थापना की, यानी संघमित्रा और महेंद्र दोनों गए थे श्रीलंका। नेक्स्ट है चौथ क्या था और इसका आंसर हो जाएगा 4 शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में कर या शुल्क के रूप में चौथ, जिसे संस्कृत में अर्थ होता है 1/4 लगाया जाता था। इसके नाम के अनुरूप राजस्व या उत्पाद का 25% चौथ के रूप में वसूल किया जाता था। मुगल साम्राज्य या दक्कन सल्तनतों को पड़ोसी क्षेत्रों से चौथ प्राप्त किया जाता था। मराठों के हमलों से रक्षा करने के बदले में इसका भुगतान किया जाता था। नेक्स्ट है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एमएन रॉय आदि नेता समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने में सर्वाधिक कार्य किए। अगला है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 राजा नरसिंह देव वर्मन। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव वर्मन द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फायदेमंद होगा। आप लोग इसे जरूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है? आंसर हो जाएगा 3 सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से समान होता है। इस अवधि के दौरान ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं और भाटा बहुत नीचे होते हैं, इसे बृहद ज्वार भाटा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है और इसका आंसर हो जाएगा 3 उर्दू। बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा उर्दू है। इसे कब अपनाया गया? तो 1984 में उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और बिहार का पहला इतिहास उर्दू भाषा में अली मोहम्मद शाह ने नक्शे पायदार शीर्षक से लिखा था, नक्शे पायदार शीर्षक से। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? और इसका आंसर हो जाएगा 2 गुरु हरगोविंद। पांचवें गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद उनके उत्तराधिकारी बने। वे आरंभ से ही मुगलों के कट्टर शत्रु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने को कहा
और स्वयं को सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, बेड़िया नामक, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंगेर में। बेड़िया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 3500। संविधान के अनुसार किसी भी विधि विधानसभा में 500 से अधिक, संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद राज्य हैं जैसे गोवा में कितने हैं तो 40 हैं, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में भी 40 हैं। नेक्स्ट है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन खाली स्थान को होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 21 को। भारत का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे प्रत्यक्ष होती है, जिससे किसी अन्य दिन की तुलना में दिन अधिक लंबा होता है। नेक्स्ट है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 कासिम बाज़ार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों से अनुमति मिलने के बाद 1651 में हुगली में कारखाना लगाया। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाज़ार में अनेक कारखाने लगाए गए। नेक्स्ट है, दीव एक द्वीप है, आंसर हो जाएगा 3 गुजरात के हटकर। भौगोलिक दृष्टि से दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह खंभात की खाड़ी में बैरावल पत्तन के निकट है। अगला है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 4 अरब सागर। भूबद्ध सागर, अरब सागर, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, कैस्पियन सागर, सी ऑफ गैलीली, सॉल्टन सागर, ये सभी जो है वो भूबद्ध सागर है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात, और इसका आंसर हो जाएगा 3 कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इस प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भगत सिंह। सर्वप्रथम हसरत मुहानी ने कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदा का नारा लगाया था, किसने, तो हसरत मुहानी ने, और इस नारे को आम बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को खाली स्थान ने लिखा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 के जो उपन्यास था आनंद मठ की कविता है। यह मातृभूमि के लिए एक भजन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। अगला है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन, और इसका आंसर हो जाएगा ए डच के एल एम। डच के एल एम एयरलाइन की स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को तथा क्वांटासा एयरबेस की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया, और इसका आंसर हो जाएगा 2 राजा रवि वर्मा ने। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा 1889 में चित्रित एक चित्रकला है। यह राजकुमारी दमयंती को चित्रित करता है, जो महाभारत के वन पर्व खंड में वर्णित प्रेम कहानी का एक चरित्र है, जो शाही हंस के साथ अपने प्यारे और पति नल के बारे में बातें करती है। इस चित्रकला को आधुनिक कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1968 में। हेमा मालिनी की तमिल फिल्म इथु सथ्याम ने 1863 में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने तेलुगु पौराणिक फिल्म पांडव वनवासम 1965 में एक नर्तकी का रोल किया। 1968 में हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ काम किया, जो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। तो आंसर हो जाएगा 1968। नेक्स्ट है, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। रघुपति राघव राजा राम एक उल्लेखनीय भजन हिंदू भक्ति गीत है,
जिसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संगीत के रूप में स्वरबद्ध किया गया है। इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास रामचरितमानस की रचना को मानते हैं, जबकि अन्य इसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा लिखे गए मूल हिंदू पाठ नाम रामायणम में इसका उल्लेख होने की बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में खाली स्थान में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 1957। भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 जो 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ में दशमलव श्रृंखला पेश की। रुपया अब 16 अनाज के बजाय 100 पैसे में बांटा गया। सिक्कों की शुरुआत उन्हें पिछले सिक्कों से अलग करने के लिए नया पैसा कहा जाता था। 1 जून 1964 को नया शब्द दिया गया था और इसे केवल एक पैसा कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा 4, सुई सीनी। लोक नृत्य जो रौफ है वो जम्मू कश्मीर से है, और जो झोरा है वो उत्तराखंड से है, विधि जो है वो आंध्र प्रदेश से है, और सुई सीनी जो है वो राजस्थान से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष खाली स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बट यानी बरगद, जिसका बोटनिकल नेम है फाइकस बेंगलेसिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। इस वृक्ष में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। बरगद को 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। बरगद के पेड़ पूरे भारत देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी का शासन रहा 1488 से 1577 तक। 1506 में आगरा की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। कब स्थापना की? तो 1506 में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे तथा जिला परिषद जिला स्तर पे। अगला है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, सही जवाब हो जाएगा ए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। यह केंद्र 1971 में RH-125 ध्वनि रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ संचालन में आया था। सार ने अब 2 लॉन्च पैड बने हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, और KD जाधव ने 1952 ओलंपिक में पदक जीता था लेकिन स्वर्ण पदक नहीं। नेक्स्ट है, बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 24। राज्य के 24 जिलों ने संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा करने के उपरांत उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में प्रवेश किया है। 11 जिले अभी भी संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू कर रहे हैं तथा शेष 3 जिले सतत शिक्षा अभियान चला रहे हैं। नेक्स्ट है, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, विरोध का। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काले झंडे का उपयोग अक्सर आक्रामकता की कार्यवाही का प्रतीक है, तटस्थता या पराजय नहीं। यह मृत्यु, बीमारी और हिंसा के लिए चेतावनी के संकेत के उपयोग में भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 3, बेंगलुरु में। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसे 29 मई 1957 को खोला गया और 1968 में एविएशन मेडिसिन संस्थान के रूप में पुनः नामित किया गया। नेक्स्ट है, मंदी की परिभाषा क्या है? मंदी की परिभाषा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है, वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, उपयुक्त में से सभी विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। इसकी
आधिकारिकता के तहत असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? अकबरी मस्जिद, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, मनेर। अकबरी मस्जिद पटना के नज़दीक मनेर में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर, सही जवाब हो जाएगा एक, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह भारत के कुछ सदाबहार जंगलों में से एक है। साथ यह ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दो, अध्यक्ष के निर्वाचन में। लोकसभा में जो भारतीय संसद का निचला सदन है उसमें दोनों प्रेसिडेंटी अधिकारी, अध्यक्ष और उपसभापति सदन के उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा मतदान की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की जाती है। संविधान के अनुसार केवल यह आवश्यकता है कि अध्यक्ष सदन का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? सही विकल्प को चुने। आंसर हो जाएगा चार, ग्रीक। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनता का शासन, जनता का शासन। नेक्स्ट है, मार्टन कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। मार्टन कासिम सुलेमानी, आंसर हो जाएगा दो, यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, यह गलत कथन है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, यह सही है। यह मिसाइल ईरान की है, यह भी सही है। मार्टन कासिम सुलेमानी। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा एक, सोरा उत्पादन के लिए। सोरा का उत्पादन उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इत्यादि में होता था। सोरा रहनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है, जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के बाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। नेक्स्ट है, डिफेंस फोर्सेस का सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? और इसका आंसर हो जाएगा चार, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में हुआ था। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे मूल रूप से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतोभाग्य विधाता के रूप में रचा गया था। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, आंसर हो जाएगा तीन, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा एक, पणजी, गोवा में स्थित है। 1 जनवरी 1966 को CSIR की 37 घटक प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? और इसका आंसर हो जाएगा एक, बिहार में। बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? राष्ट्रगीत की, सही जवाब हो जाएगा दो, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे? आंसर हो जाएगा दो, शांति दूत। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को शांति का प्रतीक कहा जाता है। गांधी के अनुयायी होने के कारण उन्होंने हिंसा या आक्रामकता में विश्वास नहीं किया। उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शांति बनाकर रखेंगे। वे शांति में विश्वास करते थे, आक्रामकता में नहीं। मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वे क्या थे? आंसर है एक, फिलीपींस के प्रमुख थे। 30 दिसंबर 1953 को फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रमन मैग्सेसे को एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह 20वीं शताब्दी के दौरान पैदा हुए पहले फिलीपींस राष्ट्रपति और स्पेनिश औपनिवेशिक युग के बाद पैदा होने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, तुजुके ए बाबरी में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने अनुभवों को तुजुके बाबरी में उल्लेखित किया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा चार, बरौनी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है?
और इसका आंसर हो जाएगा ए कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में स्थित है। अब आइए सामान्य विज्ञान एवं गणित के सेक्शन देखते हैं। किसी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3600 किलोमीटर। अंतरिक्ष में किसी उपग्रह की परिभ्रमण की वह कक्षा जिसमें स्थित किसी उपग्रह की परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है उसे भूस्थैतिक कक्ष यानी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितना है तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है कहाँ, आंसर हो जाएगा ए नौ संचालन में। नॉटिकल मील एक गैर एसआई मात्रक है। नौ चालकों द्वारा समुद्र वायु और ध्रुवीय अन्वेषण में भी इस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। इस मात्रक का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं जी यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर, सही जवाब हो जाएगा 3 बढ़ता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिक होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर केवल 3.4 cm/cm² के स्क्वायर, सेमी बटा सेमी के स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने में जी के मान घटता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है, और इसका आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, अतः ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि की तारत्व अधिक होता है। इसी कारण ध्वनि तीक्ष्ण या बारीक होती है। पुरुषों की ध्वनि मोटी तथा स्त्रियों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है क्योंकि पुरुषों की ध्वनि तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होता है। शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है तथा शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को सुदूर संवेदन या सेंसिंग कहा जाता है। अगला है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए अवतल का। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर अवतल प्रकार का होता है यानी अवतल दर्पण होता है। अगला है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा खाली स्थान की उपस्थिति में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 4 सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में घटित होता है जिसमें क्लोरोफिल विद्यमान होता है। क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण तब घटित होता है जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने हेतु प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लोहा इससे निकला जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, हिंगुल सिनेबार पारा का अयस्क है, और बॉक्साइड अल्मोनियम का ऑक्साइड है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, दालचीनी, सही जवाब हो जाएगा 2 छाल से। सिनेमोन यानी दालचीनी एक मसाला है जिसे सिनेमोमम वर्ग की प्रजातियों के वृक्ष के आंतरिक छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनेमोन अर्थात दालचीनी का प्रयोग मुख्यतः सुगंधित मसालों और पाक कला की विस्तृत किस्मों में सुगंधित योजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मूली सलजम टर्निप गाजर। गाजर चुकंदर सलजम और मूली इत्यादि सामान्यतः उगाए जाने वाली जड़ युक्त फसलें हैं। गाजर चुकंदर सलजम और मूली ये सभी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है, न्यूमेटोफोरस का सही आंसर हो जाएगा 2 श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। न्यूमेटोफोर जल की सतह के ऊपर फैली स्पंज रूपी सीधी जड़ें होती है जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनियम में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 सक्रिय चारकोल। जल में
चूर्णित उत्प्रेरित कार्बन मिलाने से या जल में दानेदार उत्प्रेरित कार्बन का प्रयोग करने से निस्यंदक खराब स्वाद या दुर्गंध दूर कर सकता है। चूर्णित उत्प्रेरित कार्बन अधिमान्य विधि है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्वाद और दुर्गंध संतुलित और विरल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर बिलियन जो है वो दुधिया हो जाता है। ऐसा मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण होने के कारण होता है जो पानी में अभिलेय है। इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा? CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 1, कैल्शियम। किसी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों या दांतों में पाया जाता है जो इन्हें शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। HIV के वायरस जो है वो रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोशों पर आक्रमण करता है और लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। अगला है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, विषाणु। जिसे बृहद तुसा, जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमेलेटाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। अगला है, सूची 1 के कीट रोगवाहक को सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों को सही जोड़ा मिलाइए। तो एनाफ्रीज मच्छर जो है वो क्या हो जाएगा? उससे मलेरिया फैलेगा। और क्यूलेक्स जो मच्छर है उससे फाइलेरिया होगा। और रेत मक्खी जो है उससे काला जार होगा। और सीसी मक्खी से क्या फैलता है? वो है नींद की बीमारी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विशुद्ध नाइट्रिक एसिड तीक्ष्ण गंध के साथ एक रंगहीन धुएँदार तरल है। प्रयोगशाला में मिलने वाली नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के विघटन के कारण थोड़ी पीली होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HNO3 के एक भाग के ऊष्मीय अपघटन के कारण उत्पन्न होती है। अगला है, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बेटसन ने। डेनिश वनस्पति शास्त्रवेत्ता विलहम जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था और आनुवंशिकता शब्द बेटसन ने दिया था। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 2, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, व्यतिकरण के कारण। बुलबुले का रंग एक अद्भुत घटना के कारण होता है जिसे थीन फिल्म इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाता है। जब प्रकाश साबुन के बुलबुले पर पड़ता है तो फिल्म के अग्रभाग और पार्श्वभाग दोनों में से परावर्तन होता है जो आंखों तक पहुंचता है। परावर्तनों के मध्य को पारस्परिक क्रिया के कारण यह रंग हमें देख पाते हैं। इसका आंसर जो होगा हो जाएगा 4, एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा 2, पारद बाष्प। प्रदीप्त लैंप ट्यूब में गैस भरी जाती है जिसमें कम दबाव का पारा बाष्प ऑर्गन जीनॉन नियॉन या क्रिप्टॉन होती है। गैस में विद्युत धारा पारा बाष्प को उद्दीप्त करती है जो लघु तरंग को प्रबैगनी प्रकाश उत्पन्न करती है जो बाद में लैंप के अंदर फास्फोर परत के चमकने का कारण बनता है। अगला है, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4, राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? तो 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरा नामक स्थान पर। अगला है, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 1, अंतःस्थापित। सन लैब ने कार में जावा, सोलारिस, लिनक्स और एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल कर कंप्यूटर और नेटवर्क के फायदों को दिखाया है। कार ट्रैक जावा सेंसर प्रौद्योगिकी के साथ एम्बेडेड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा? अगर 3 क्रमागत धनात्मक कौन कौन हो सकता है? एक्स हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है, एक्स प्लस टू हो सकता है। प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक संख्याओं के वर्गों के योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर बराबर 365। आप ऑप्शन से भी देख के बना सकते हैं, अगर मान लिया कि यहाँ पर 10 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर करते हैं तो ये 365 के बराबर होता है, क्योंकि 100 प्लस 121 प्लस 100 क्या होगा 44, कितना हो जाएगा ये 365 के बराबर है। तो इस तरह देख सकते हैं कि 10 11 12 हमारे पास संख्या आया और इन सब का जोड़ कितना 10 11 प्लस 12 बराबर 33, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाज कितना होगा। तब भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 5 गुना शेषफल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना 46 शेषफल दिया हुआ है यानी 230 हो जाएगा। तो भागफल बराबर हो जाएगा 230 बटा 10 बराबर 23। जानते हैं कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। अब यहाँ पर सिर्फ मान रख देना है कि 230 गुना 23 प्लस 46 बराबर हो जाएगा 5336, आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 73 के पावर 54 व्यंजक के योगफल में इकाई का अंक कितना होगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 25, 62, 51 के जो हमारे पास आता है इकाई का अंक वो 5 आएगा, और 36 528 के अगर इकाई अंक हम देखते हैं तो इसका आएगा विस्तार का इकाई अंक 6 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 6 के पावर 528 लिख सकते हैं, तो ये 6 आ जाएगा। अगर 5354 के देखा जाए तो 73 के पावर 54 के देखा जाए तो इसका जो आएगा वो 9 आएगा। इस तरह आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 54 को 4 से भागा दीजिएगा तो कितने मतलब 52 लगेगा और 2 शेष बचेगा, तो 73 के पावर 52 गुना 73 के पावर 2 यानी हो जाएगा हमारे पास इसका तो आ जाएगा सेम, और ये हो जाएगा कितना 3 के पावर स्क्वायर बराबर 9। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा अभी स्टंक बराबर 5 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू इकाई अंक 0, क्योंकि ये 20 हो जाएगा तो इकाई अंक हमारे पास 0 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है सरलीकृत कीजिए, एक व्यंजक दिया हुआ है इसे सरल करना है, तो आइए इसे सरल करते हैं। 1/3 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 4-5/10 बटा 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 5/3 माइनस 4/5 गुना 3/4 हो जाएगा। फिर इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इस व्यंजक है उसे सोल्व करने पर कितना आ रहा है 37/78। अब इसे सोल्व कर लीजिएगा, 37/78 एक नंबर सही हो जाएगा। अगला है 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6। अब इसे किस तरह सोल्व करना है, तो सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करते हैं, 1/3 माइनस रूट 8 गुना 3 प्लस रूट 8/3 प्लस रूट, ऊपर क्या करते हैं कि नीचे माइनस है इसमें तो ऊपर प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा, क्योंकि इसे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो 3 प्लस रूट। इसी प्रकार 1/√8 माइनस रूट 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √8 प्लस √7 आंसर, और 1/√7 माइनस √6 करेंगे तो आ जाएगा √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब इस व्यंजक को हम हल करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो टोटल कितना आ जाएगा 5 के बराबर, 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 के बराबर। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा कितना तो 5 आ जाएगा 1। अगला है ए और बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वही कार्य बी तथा सी 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी तथा ए वही कार्य 8.4/7 दिनों में कर सकते हैं, अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा है ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/8, बी प्लस सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा 1/24, और सी प्लस ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 7/60। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/24 प्लस 7/60 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 34/120, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा ए प्लस बी
प्लस सी कार्ज करने में, दो इधर चला जाएगा तो 17/120 आएगा। अब सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 17/120 टोटल है, मैं 1/8 घटा देंगे तो 17-15/120 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/60। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, आंसर आ जाएगा 60 दिन में पूरा करेगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना होगा, 1 दिन होगा। बी द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 3x दिन होगा। तो 3x-x बराबर कितना होगा, 2x, और ये बराबर कितना है, 40 दिन कम अवधि करता है, यानी 40 दिन। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो 3x बराबर कितना होगा, 60। ए एवं बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/20 + 1/60, यानी 3 + 1/60 बराबर 4/60 बराबर 1/15, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो 15 दिनों में कर सकता है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो लसा को एल और मसा को हम एच मान लेते हैं, एल बराबर 4h और एच प्लस 4h बराबर 125, 5h बराबर 125, h बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 25 बराबर 100, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा हमारा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 100 × 25/100, आंसर आ जाएगा हमारा 25, सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। प्रश्न में कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा। एक संख्या तो 195 है, अगर दूसरा को x मानते हैं तो तीसरा x + 20 होगा, और इन दोनों का औसत 135 था, तो 135 × 3 कर देंगे, यही हमारे पास संख्या आ जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 2x + 215 बराबर 405 होगा, जब हमें इधर लेकर जाएंगे 2x बराबर हो जाएगा 405 - 215 बराबर 190, x बराबर हो जाएगा कितना, 95। तो सबसे छोटी संख्या जो हमें निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 95। नेक्स्ट है, यदि मैं 100 में 11 पुस्तक खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। यदि ए वस्तु ₹1 में खरीद कर बी वस्तु को ₹22 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है वो एक फार्मूला होता है, YA - X/B / XB × 100 होता है। अब सीधे सीधे मान रख लीजिए, 11 × 110 - 10 × 100 / 10 × 100 / 100, बस इसे सोल्व करना है और हमारे पास जो मान आ जाएगा वो 21% आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 हो तो ए की मासिक आय कितनी थी। यदि ए और बी की आय का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी है, व्यय का अनुपात सी अनुपात डी है, तो प्रत्येक की बचत कितना है, ₹1 की है, तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय होगी AX × D - C / AD - BC, ये याद रखिएगा, इस तरह के अगर आप इक्वेशन बनता है तो ये व्यंजक बनेगा, तो हो जाएगा 9 × 500 7 - 8 / 9 × 7 - 8 × 8, आंसर हमारे पास आएगा 9 × 500 बराबर ₹4,500। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x - 2y / 7x + 2y का मान कितना होगा। तो x / y बराबर दिया हुआ है 3/4, तो 5x - 2y / 7x + 2y, इसको हम अगर y से डिवाइड करें तो 5 × x / -2 / 7 × x / + 2 होगा। अब मान रख देते हैं 5 × 3/4 - 2 / 7 × 3/4 + 2, सॉल्व कीजिएगा तो 7/29 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल एक समान है,
तदनुसार उस गोलक और घन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। यदि गोलक की त्रिज्या है आर इकाई एवं घन का किनारा है एक्स इकाई, यह है त्रिज्या और ये घन का ये एक्स इकाई है, तो गोलक की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर 6x² r² बटा x² बराबर 6/4π और 3/2π, तो r बटा x बराबर हो जाएगा √3/√2π, ये पूरे में हो जाएगा √2π। अब 4/3πr³ बटा x³ बराबर हो जाएगा 4/3π और r³ और x³ के जगह पर हम रख सकते हैं √3/√2x के होल क्यूब। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा 4/3π × √3/√2 × π√π। सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो √6/√π आंसर हो जाएगा 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है BVI, आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक बिल में 35% छूट देने पर और दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। 20% की दो क्रमिक बटों का एकल समतुल्य बटा क्या होगा, 20 + 20 - 20 × 20/100 बराबर हो जाएगा 36%। इसे सोल्व कीजिएगा तो यदि बिल की राशि ₹1 हो तो x का 36 - 35% बराबर कितना हो जाएगा 22, x/100 = 22, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा ₹2200, आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x + y + x / 100 के परसेंटेज कमी के लिए ऋणात्मक चिन्ह, तो 5 - 2 - 5 × 2/100 बराबर हो जाएगा 2.9%। जब इसे आप हल कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समषष्ठभुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज और षष्ठभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा x है इकाई है और समषष्ठभुज की भुजा y इकाई है, तो 3x = 6y, तो x/y = 2 है, तो √3/4x² + 6√3/4y² = 1/6 × 4/2/3, आंसर हमारे पास हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पैदल तय की गई दूरी बराबर कितना होगा 4 × 3.3/4 किलोमीटर, जब इसे सोल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 15/16.5 घंटा, यानी 15 × 60/16.5 मिनट बराबर 54.55 मिनट, आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का 54.55 मीटर। अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा ब्याज × 100/मूलधन × दर बराबर 3/10 × 100/10 = 3 वर्ष, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए, संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है। तो माना कि व्यापारी ₹100 में 100 मीटर कपड़ा खरीदा है, ₹100 में कितना 100 मीटर, अब कुल विक्रय मूल्य कितना होगा 50 × 140 - 40% का लाभ हुआ और फिर 25 × 60/100 = 40% की हानि, प्लस 25 में वो लाया उतने में ही, ये हमारे पास आ जाता है रुपया कुल विक्रय मूल्य हुआ, यानी 70 + 15 + 25 = ₹110 लाया कितना में था, ₹100 में, तो लाभ कितना हुआ जो हुआ ₹10, लाभ परसेंट कितना हुआ 100 पे ₹10, यानी 10%, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है,
एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी बराबर कितना हो जाएगा, 1100 गुना 50 बटा 100 प्लस 900 गुना 60 बटा 100, तो हो जाएगा कितना, 550 प्लस 540 बराबर 1090 छात्र। तो प्रतिशत में अगर हमको निकालना है तो 1090 और कितने में, तो यह है 2000 में। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 54.5% आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर। अगला प्रश्न है कि कपड़े के मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह इस तरह निकाल सकते हैं कि 20 - 25 - 20 × 25 / 100%, जैसा कि हम लोग फार्मूला में जानते हैं, -5 - 5% बराबर -10% की हानि होगी। तो आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का। अगला प्रश्न है कि एक घंटे में 5 मिनट और एक घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है? एक घंटा का 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5/60 बराबर 1/12, और एक घंटे के 20 सेकंड हो जाएगा 20/3600 बराबर 1/180। अब अंतर हो जाएगा 1/12 - 1/180 बराबर 15 - 1/180 बराबर 14/180 बराबर 0.7/9। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 5:6 है और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, कितने छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो छात्रों की संख्या जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 5K का 80% प्लस 6K का जो है वो 75%, यानी कितना हो जाएगा, 80 × 5K / 100 प्लस 75/100 × 6K, क्योंकि 5:6 है तो इसे के मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 4K + 9K / 2 बराबर 8K + 9K / 2 बराबर हो जाएगा 17K / 2। अब अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 17K / 2 K / 5K टोटल प्लस 6K था अगुना 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो 850/11% आएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। नेक्स्ट है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, उसके दोस्त हरी लाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया, रहीम को हीरा लाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो माना कि निवेश की गई धनराशि कितनी थी, 100 रुपया था। प्रश्न से करा x × 5 × 3/100 - x × 7 × 2/100 = 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15x - 14x / 100 = 30। एक्स बराबर होगा 30 × 100 = 3000, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद छात्रों तथा वर्ग शिक्षक की औसत आयु क्या हो जाएगी? तो 20 × 15.5 + 47 + 21 × 5 / कितना हो जाएगा, 21। सॉल्व करेंगे 310 + 47 + 105 / 21 यानी 462/21 बराबर 22 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 - 22 वर्ष। अगला सेक्शन है मानसिक क्षमता तर्क शक्ति का। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। जल में क्या होता है, तैरा जाता है, तैरना, तो भूमि में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, चलना या भ्रमण करना, भूमि पर आदमी चलता है। अगला है रोगी चिकित्सक उसके बाद क्या होगा, तो रोगी चिकित्सक के बाद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, विद्यार्थी और सलाहकार। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी और सलाहकार। डॉक्टर रोगी को परामर्श देता है, उसी प्रकार सलाहकार विद्यार्थी को परामर्श देता है। अगला है NBOCP उसके बाद क्या होगा, ए से बी गया प्लस एक और एन से ओ गया प्लस एक, उसी तरह सी से प्लस एक जाएगा तो डी होगा,
और पी से प्लस एक जाएगा तो क्यू होगा, यानी डी क्यू आंसर हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट देखते हैं डी डी डब्ल्यू ई सी बी एफ बी यू उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ देखना है कि डी से ई गया है, डी से ई गया है प्लस एक हुआ है, और डब्ल्यू से सी अति डी से सी गया है ये माइनस एक हुआ है, और डब्ल्यू से भी गया है ये माइनस एक हुआ है, यानी प्लस वन माइनस वन और माइनस वन का सीरीज चला है। उसी तरह एफ से प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा जी, और बी से माइनस वन करेंगे तो ये होगा कितना, तो होगा ए, और यू से माइनस वन करेंगे तो होगा टी, तो जी ए टी आंसर हो जाएगा चार नंबर। 196, 169, 81 के बाद क्या होगा। 196 जो है वो 14 के स्क्वायर है और 169 जो है वो 13 के स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 81, 81 9 के स्क्वायर है, तो अगला कौन हो जाएगा, एक घट के 14 से 13 होता है तो 9 से 8 होगा, तो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट है 30 प्रश्नवाचक चिन्ह, 130, 222 उसके बाद क्या है। तो 130 जो है वो किस तरह लिखा गया है, तो देखते हैं 5 के क्यूब प्लस 5 है, 130 5 के क्यूब प्लस 5 है यानी 125 प्लस 5। उसी तरह अगर हम 222 का लिखते हैं तो 6 के क्यूब प्लस 6 हो जाएगा, और 30 को हम अगर लिखते हैं तो 3 के क्यूब प्लस 3 होगा, और 68 अगर लिखते हैं तो 4 के क्यूब प्लस 4 होगा। हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा 4 68, क्योंकि अगर 30 के हम लिख सकते हैं कितना 3 के क्यूब प्लस 3, 68 को लिखते हैं 4 के क्यूब प्लस 4, 130 को लिखें 5 के क्यूब प्लस 5, और 222 के 6 के क्यूब प्लस 6, यानी एक एक बढ़ के क्यूब में और वही संख्या से जोड़ भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वाइन जिस प्रकार अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार वोदका से संबंधित क्या है। आंसर हो जाएगा 2 आलू। मदिरा अंगूर से बनाई जाती है, उसी प्रकार वोदका आलू से बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, दक्षिण के खड़ा हूँ और उसके बाद दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ, फिर मैं दाएं मुड़ता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ, अब मैं अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 उत्तर पश्चिम में। इसे सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो पहले ये सीरीज किस तरह है, तो अगर 5 प्लस 4 करेंगे 9 आएगा, 9 आएगा और 5 गुना 4 करेंगे तो ये 20 आएगा, ठीक 3 प्लस 8 करेंगे तो 11 आएगा, और 8 या 24 करेंगे मैंने गुना करेंगे 3 गुना 8 तो 24 आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 प्लस 4 हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 9 गुना 4, तो हो जाएगा आंसर 236। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है, कलम क्रेयन रबर और पेंसिल, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 रबर। रबर को छोड़कर अन्य सभी लिखने और रंग भरने के लिए उपयोग किए जाते हैं, रबर से पेंसिल के मार्क को मिटाया जाता है। चंद्रमा मंगल शुक्र बृहस्पति में सबसे अलग चंद्रमा है, चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र संसद अभद्र चुनाव, और इसका आंसर हो जाएगा 3 अभद्र, क्योंकि अभद्र को छोड़कर सभी राज व्यवस्था से संबंध रखते हैं। बी सी डी ई, और इसका आंसर हो जाएगा 4 ई। ई जो है वो है क्या, ये भोवेल है, अब बाकी सब जो है वो कांस्टेंट है, यानी ई स्वर है और बाकी सब व्यंजन है। ई बी डी आई एफ एच जी एन ओ हब बाई बी एक्स, ई से बी है -3 और B से D है -2, उसी तरह I से F है -3 और F से H है +2। अगर हम बात करते हैं बाई और भी से, तो बाई से भी -3 और भी से +2 है। G से N की बात करते हैं, जी ने Q से N की बात करते हैं -3 और N से O गया है +1 है, यानी यहाँ +2 होना चाहिए तो 1 है, तो यही सबसे अलग है, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर, ये किस तरह के सीरीज है जो अलग कर रहा है। तो Q से R गया +1 है, R से S गया +1 और S से गया T +1, यानी +1 +1 है इसमें। और अगर इसमें देखा जाए तो बी ई सी डी, यहाँ से +3, यहाँ से -2 और यहाँ से +1 है, ठीक है दो तो अलग अलग मिल गया है, लेकिन इन दोनों में से कौन है पहले अगले सीरीज को देख लेना। F से I क्या है +3 गया है, और I से G -2 गया है, और I
से जी माइनस 2 गया है और जी से एच है जो प्लस 1 गया, यानी दूसरा तीसरा सेम है तो चौथा भी सेम ही होगा, सबसे अलग हो जाएगा पहला, क्योंकि पहला में सिर्फ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 26 24 21 में अलग कौन है, तो आंसर हो जाएगा 4 21। संख्या 21 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्या है, 21 जो है वो विषम संख्या है। अगला प्रश्न है 22 30 44 36 52 62 77 85, तो संख्या युग्म जो 52 62 को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 8 ही है। देख लीजिए इन दोनों के बीच में जो 8 है, 44 36 में भी 8 है, 52 62 में 10 है और 77 85 में भी 8 है, तो आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यहाँ पर कि कौन सी संख्या होगा ये काउंट करना है। तो आइए देखते हैं, अगर नीचे से हम चलते हैं 20 माइनस 12 बराबर कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, और 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जा रहा है यह स्क्वायर करने पर। उसी तरह 24 माइनस 17 करेंगे, इसे 24 माइनस 17 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। 8 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ पर आ जाएगा 16 सही आंसर, तो आंसर हो जाएगा 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। आइए अंग्रेजी शब्दकोश को क्रम में रखते हैं, तो होगा सबसे पहले क्या लिखाएगा, बैनल, उसके बाद लिखाएगा बनाना, उसके बाद लिखाएगा बैंडेज, उसके बाद लिखाएगा बंडित, उसके बाद लिखाएगा बैनिस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाया है। तो आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले क्या होगा, पाषाण युग, उसके बाद होगा धातु युग, उसके बाद होगा मिश्र धातु युग, उसके बाद अनुयुग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर का। अगला प्रश्न है उपचार चिकित्सा रोग निदान दवा में कौन सा सीरीज चलेगा, तो सबसे पहले जो होगा वो रोग होगा, उसके बाद चिकित्सक के पास जाया जाएगा, उसके पास क्या होगा निदान होगा, उसके बाद उसे दवा दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा और लास्ट में उपचार यानी रोग मुक्त होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नंबर 3 2 4 5 1। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों के क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बी रख देते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर डी रखते हैं, यहाँ पर डी रखते हैं और यहाँ पर सी, तो एक सीरीज बनकर आ जाएगा ए बी सी डी डी ए बी सी डी डी ए बी सी डी डी, इस तरह की एक सीरीज बन के आ जाएगा ए बी सी डी डी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक दो पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को अनुक्रम को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं कि 22 एस गया है, माइनस 6 है, एस से यू गया है, प्लस 2 है, यू से ओ गया है, माइनस 6 है, ओ से क्यू गया है, प्लस 2 है, यानी जो हमारे पास सीरीज चल रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस 2 अब प्लस 2 चल रहा है, तो क्यू से हमारे पास क्या जाएगा, अगर हम माइनस 5 करते हैं तो एल होगा और प्लस 1 करते हैं तो एम होगा, तो आंसर हो जाएगा एल एम, क्योंकि यहाँ पर और अगर प्लस 6 करेंगे तो वो आंसर नहीं आ रहा है, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 और माइनस 5 प्लस 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा एल एम। नेक्स्ट है ई एस सी जी सी और आई जी में किस तरह का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ देखते हैं ई से जो है हमारे पास क्या गया, ई से जे गया है, क्या देखना है ई से जे प्लस 2 और जे से आई गया है प्लस 2, तो आई से प्लस 2 क्या हो जाएगा के, ए से सी गया है ये प्लस 2 है, सी से ई गया है प्लस 2 और ई से प्लस 2 जो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो दूसरा नंबर आ जाएगा क्योंकि के जी और लास्ट में आई आएगा। नेक्स्ट है 1 9 25 खाली स्थान 81, तो 1 के स्क्वायर है यहाँ पे, 3 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, यहाँ पर 7 के स्क्वायर होगा क्योंकि ये 9 के स्क्वायर है, 17 49 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 6 12 21 खाली स्थान 48, 3 6 12 21 33 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस और यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस, तो यहाँ पर 12 का डिफरेंस होगा, 21 12 कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर जो आगे है वो 48, तो 15 के डिफरेंस यानी 3 3 बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा जो हमारे पास वो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 3 6 11 16 27 28 में कौन सा
गलत है। आइए देखते हैं, 3 से 6 जो गया है वो +3 है, 6 से 11 +5 है, 11 से 16 +7 है, 16 से जो हमारे पास आ रहा है, 11 से 16 जो हमारे पास +5 यहाँ पर है, लेकिन होना चाहिए 3, 5, 7 होना चाहिए। और जब यहाँ पर 18 आ जाता तो +9 करते तो हमारे पास 27 आता, +11 कर रहे हैं तो 38 आएगा, यानी जो 16 है वो गलत है। 16 की जगह पर क्या होगा, वो होगा 18। तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर गलत है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, बहिन। औरत के दादाजी का इकलौता बेटा उस औरत का पिता हुआ, आदमी के भाई के पिता उस औरत के पिता है, अतः औरत उस व्यक्ति की बहन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है, सबसे निर्धन कौन है? इसे निकालेंगे, एच ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी, और एक में है एच ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ। अगर दोनों कथनों को मिलाते हैं, ये कथन 2 और ये कथन 1 है, तो होगा एच ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, कष्टम। मूल शब्द में ओ वर्ण नहीं है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ नहीं है। अगला है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है, इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाए। तो इसका जो हो जाएगा क्या, इस तरह अगर हम लिख सकते हैं क्या है, तो अर्बन हो जाएगा इसकी मीनिंग, UBAN के अर्बन हम लिख सकते हैं। तो अर्बन को कैसे, 1, 5, 2, 3, 4 होगा, इसका जो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर का। नेक्स्ट है, द एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सीधे से अगर ए को 1 लिखा है, पी को 7 लिखा है, तो यहाँ पी से शुरू हुआ है तो ये 7 से शुरू हो जाएगा, तो 7, 3, 8, 2, 3, 7, 9, आई का 4, ओ के 6 और एन के 5 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह को चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ये क्रम सही है। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और ये भागा होगा और उसके बाद हो जाएगा बराबर। तो हमारे पास जो सोल्व करेंगे वो आ जाएगा 16 - 2 - 8 = 6, 16 - 10 = 6, ये सही हो जा रहा है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि 6 - 9 - 2 को क्या कर दिया गया है, 6 को यहाँ लिखा गया है, 2 को यहाँ लिखा गया है और 9 को यहाँ लिखा गया है। उसी तरह क्या क्या है, 3 को यहाँ लिखा गया है, 1 को यहाँ लिखा गया और 2 को यहाँ। तो इसे करेंगे तो ये लिखा जाएगा 0, और जो बीच वाला है उसे कहाँ लिखा गया है, शुरुआत में, और ऊपर वाला को बीच में, तो हो जाएगा 480, आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट है, चीहों को किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, माइनस और भागा को अगर हम बदल देते हैं तो हमारा ये आंसर सही आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या है, 16 बराबर है 4 × 4, अगर 81 की बात करें तो ये है 3 × 27, तो ये हो जाएगा 25 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 125, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान को भरना है 137 नंबर का, उसका जो आंसर है वो क्या है वो देखना है। तो 6 × 3 × 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 6 × 18 = 36, ये करेंगे 6 × 24 और 24 × 3 = 72, 5 × 5 = 25 और 25 × 4 = हो जाएगा 100, आंसर हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट है, एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करता है और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलकर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर और जाता है, अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब तक वह 25 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है लेकिन अब वह किस दिशा में है ये देखना है। यानी एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 10 चलता है, उत्तर की ओर 10 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है,
5 किलोमीटर चलता है और फिर अपने मित्र से मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह 25 किलोमीटर तो अब किस दिशा में चल रहा है, तो अभी वो उत्तर की ओर चल रहा है। आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीता अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर की ओर जाती है, फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, फिर वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। उसे सीधे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर अगर साइकिल चलानी पड़ी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 15 किलोमीटर चलानी पड़ी। नेक्स्ट है, यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सम्राट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाए, तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। MASTER, यहाँ पे लिखा गया SAMRET, एस को यहाँ लाया, एम को यहाँ लाया, ए को सीधे रखा, आर को यहाँ लाया, टी को यहाँ लाया, ई को सीधे रखा। उसी तरह अगर हम कैरेट को लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर आर होगा, ए सीधे हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, यहाँ टी होगा, यहाँ होगा, यहाँ ए होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट है, 6 मित्र ABCDE और F पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है, ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पे कौन है ये देखना है। तो पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ यानी एफ होगा, ए होगा, सी होगा, ई होगा, बी होगा, डी होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों को जोड़े लाल, हरे और काले रंग है, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है, कितने घनों में केवल लाल और हरे फलक होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्तर से काटना होगा तो हर एक फल जो घनों की कुल संख्या होगा वो 16 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का, आइए देखते हैं कथन क्या है। कि कथन है, एक समूह के सामने भाषण देते समय अनेक लोग घबराहट महसूस करते हैं। निष्कर्ष है, अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण देते हैं। दूसरा है, बहुत ही कम लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कि स्पष्ट है कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यदि अनेक लोग एक समूह के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं तो बहुत ही कम लोगों के संबंध में यह बात लागू होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट है, 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, आइए देखते हैं कौन सा कथन दिया हुआ है और क्या निष्कर्ष है और इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आइए एक अच्छे से देखते हैं, नीला काला है और कुछ काला लाल है। नीला जो है वो क्या है, काला है, यानी नीला जो है वो काला है और कुछ काला लाल है, कुछ काला जो है वो लाल है, सभी लाल जो है वो क्या है, वो हरा है लेकिन पीला नहीं है, लेकिन क्या है वो पीला नहीं है, इस तरह के ग्राफ बनेगा। अब आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ नीला हरा है, बिल्कुल सही है, कुछ जो नीला है वो हरा है, सही है, कोई काला पीला नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ काला पीला नहीं है, कुछ काला जो है वो पीला नहीं है, गलत है, कोई काला हरा नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1, कुछ नीला लाल है तथा सभी लाल हरे हैं अतः कुछ नीले हरे हैं, स्पष्टतः कोई काला पीला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगी और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ये है उत्तराकृति जो प्रश्नाकृति के पैटर्न को यहाँ पे पूरा करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो देखें। तो 12 × 12 = 34 + 110 होता है, ठीक उसी तरह 6 × 8 अगर हम करते हैं तो वो हो जाएगा 13 + 35 यानी 6 × 8 = 48 और 12 × 12 = 144 होता है, ये भी 144 होता है, ठीक इसी तरह क्या करना है कि 9 × 9 करना है तो हमारे पास आ जाएगा कितना प्लस हमें क्या करना है 60 करना है तो हमारे 9 × 81 - 60 = 21 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जा रहा है वो 21 आ जा रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद है, इसे मैं चेक करना है कितने मौजूद है वर्ग, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16, आप इसे काउंट कर लीजिएगा। अगला है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, प्लस संख्या वाले फलक के सामने वाला पैटर्न को ज्ञात करना है। इसमें देखिए कि अगर ये दोनों कॉमन है स्टार स्टार, इसे हम क्लॉक वाइज में करते हैं तो क्या होगा, ये #$@, और यहाँ भी क्लॉक वाइज में करते हैं तो #& और ये हो जाएगा क्या ओ।
तो आइए इसके अपोजिट जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस। तो आंसर जो हमारे पास निकल कर आ जाएगा, क्या पूछ रहा है, प्लस वाला संख्या के फलक के सामने कौन होगा, तो हो जाएगा ए सही। ये चेक करने का फार्मूला है, ट्रिक है। अगला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो तीसरा नंबर ये यहाँ पर सही बैठेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो कैसे है, 5 के स्क्वायर प्लस 4 के क्यू बराबर 89 किया हुआ है, मैंने इसे क्यू किया है, इसे स्क्वायर किया है, इसी तरह इसे क्यू किया है और इसे स्क्वायर किया है। अब क्या करना है, इसे क्यू करना है, इसे स्क्वायर करना है, तो दो दोनों 4 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ये था मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बिहार SSC के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए। धन्यवाद।